आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है फिगर शोज़ द सिस्टम फोर पुली विथ टू मासेस ए एंड बी फाइंड इन एट एनी इंस्टेंट। यहाँ दो मास ए और बी लगे हुए हैं और तीन पुली हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, और पूछ रहा है स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन बी इज गोइंग अप एंड 1 मीटर पर सेकेंड एंड वाई इज गोइंग अप विथ 2 मीटर पर सेकेंड। हमें ए की स्पीड उस इंस्टेंट पे निकालनी है जब बी जो है ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये वाई जो पुली वाई है ये ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है गाइज, तो गाइज इसके आपके आपको कई सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ, देखिए सबसे छोटा तरीका और एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट है। देखिए कैसे इसमें क्या गाइज, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि गाइज, तो यहाँ पे देखिए टेंशन का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाई टेंशन यानी टी डॉट एक्स, वर्क डन बाई टेंशन की वैल्यू क्या होगी गाइज, टी डॉट एक्स, या फिर इस एक्स को आप कुछ भी मान सकते हैं। एक्स मैंने किसी भी एक रस्सी की लंबाई में, जैसे ये मान लीजिए पुली नीचे आ रहा है तो इस पुली के डिस्प्लेसमेंट टेंशन की वजह से, या फिर ब्लॉक नीचे या ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट टेंशन की वजह से, ये एक्स मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है कि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा कि हम लोग सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देखें। ठीक है, यहाँ पे मतलब ओवरऑल जो ऊपर या नीचे कहीं भी, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टी डॉट एक्स जो होता है गाइज वो क्या होता है, सिग्मा टी डॉट एक्स, ये गाइज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिग्मा टी डॉट एक्स ये होता है कॉन्स्टेंट। मतलब वर्क डन बाई टेंशन जो होता है ना, टोटल वर्क डन बाई टेंशन वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो इस यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइज, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर टी डॉट एक्स कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं गाइस हम लोग। ठीक है, सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब किसी भी स्ट्रिंग के लिए या किसी भी ब्लॉक के लिए कह सकते हैं, किसी भी ब्लॉक के लिए उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी और उसका जो टेंशन का डॉट प्रोडक्ट होगा उस, और बाकी दूसरे ब्लॉक का या फिर पुली का जो वेलोसिटी और टेंशन का डॉट प्रोडक्ट होगा, ऐसे हम लोग सबका फाइंड करें और फिर से उनका हम समेशन लें तो उसकी नेट वैल्यू जो होती है वो जीरो आती है। ऐसे ही गाइज अगर हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमको सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, जहाँ ए क्या है गाइज, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ए पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन बी इज गोइंग अप एट 1 मीटर पर सेकंड एंड वाई इज गोइंग अप विथ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बी जो है ऊपर 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और वाई जो है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। देखिए तो मैं इन दोनों का अलग अलग फिगर बना देता हूँ। ये देखिए ये बी है, ये ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और ये क्या है, ये वाई पुली है जो ऐसे है और नीचे की तरफ ऐसे है। ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है गाइज, तो गाइज अब हम लोग एक बात पता है कि अगर रस्सी नहीं बदलती है तो रस्सी में टेंशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रस्सी है ये पूरी एक ही रस्सी है, यानी इसमें भी टी सब में अगर टेंशन मैं टी टी मान लेता हूँ तो वो टेंशन जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सब में टी 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 मान लिया। ठीक है गाइज, ये रस्सी ऐसे टेढ़ी नहीं है, ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी की वजह से ये थोड़ा इधर आ गया है, ये रस्सी ऐसे सीधी है। ठीक है, इसको आप टेढ़ा मत समझिएगा। ओके, तो अगर गाइज इसमें टी और इसमें टी है तो इस रस्सी में जो टेंशन है वो टूटी हो जाएगी इसमें, और इस रस्सी में भी टेंशन कितनी हो जाएगी, टूटी। ठीक है, तो इस रस्सी में टेंशन टूटी, इस रस्सी में टेंशन टूटी। तो देखिए ये जो ब्लॉक बी में इसमें जो टेंशन लगा हुआ है, इसमें जो रस्सी है इसमें टेंशन टूटी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक टी ऊपर की तरफ और दो टी सॉरी एक टी और ये टी 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 नीचे की तरफ। ठीक है गाइज, ओके, अब तीसरे ब्लॉक की बात कर लेते हैं जिस ब्लॉक का हमको निकालना है। ये ब्लॉक है ए, ये ए ब्लॉक है और इसमें भी टेंशन टूटी है ऊपर की तरफ, और हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ से सिग्मा टी डॉट, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है तो सिग्मा टी डॉट वी मैं जीरो लिख सकता हूँ, तो सिग्मा टी डॉट वी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड और 2t दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा गाइज, तो 2t × 1 इसके लिए मैं लिख लिया। इसके लिए अब लिखूंगा इस पुली के लिए 2t नीचे और 1t ऊपर, यानी टी नीचे की, अच्छा मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस टी नीचे की तरफ लग रहा है,
यहाँ पे प्लस समेशन है क्योंकि, तो मैं माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड भी इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ प्लस 2 मीटर पर सेकेंड है, तो प्लस 2। ठीक है गाइज, हमको सबका टेंशन और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन का सम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेंशन, इसका नेट टेंशन जो है इसमें नीचे की तरफ टी है, तो माइनस टी मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव माना है, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे प्लस 2। ठीक है, प्लस तीसरे के लिए भी मैं लिख दूंगा, समेशन है क्योंकि, तो तीसरे के लिए मैं लिखूंगा, तो 2t जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, 2t ऊपर की तरफ और v नीचे की तरफ, तो इनटू माइनस v इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो इज इक्वल टू जीरो होता है। तो गाइस देखिए हम लोग को यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ मिला हमको 2t माइनस 2t प्लस 2tv इज इक्वल टू जीरो, ये प्लस 2t माइनस 2t ये कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से हम लोग को वेलोसिटी मिलती है जीरो। ठीक है गाइस, तो वेलोसिटी इस समय जीरो होगी। तो गाइस यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि जब ये 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा और ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा, तो ये जो है वो रेस्ट पे होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वो आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है गाइस, सेकंड पार्ट कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए व्हेन बी इज मूविंग अप विथ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वाई इज मूविंग अप विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर से हम लोग यही वाला डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये देखिए, ये बी हो गया, ये पुली हो गई और ये ए हो गया। ठीक है, ए में टेंशन ऊपर की तरफ 2t, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ टी और नीचे की तरफ टी और यहाँ एक ऊपर की तरफ 2t। ठीक है गाइज, अच्छा अब क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए व्हेन बी इज गोइंग अप विथ 3 मीटर पर सेकंड। अब ये ऊपर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके गाइज, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको भी मैं नीचे की तरफ ए मान लेता हूँ। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं गाइज, अगर हमने गलत माना होगा तो डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने नीचे माना है यहाँ पे एक्सेलरेशन अगेन। तो यहाँ पे गाइज फिर से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2t ऊपर है और 3 मीटर पर सेकंड ऊपर है, मैं फिर से अगेन ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैं क्या लिखा, 2t इंटू 3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए टेंशन अगेन नीचे की तरफ है और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो माइनस टी इंटू माइनस 1, क्योंकि सॉरी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नेट टेंशन नीचे की तरफ है, 2t नीचे और t ऊपर, तो नेट टेंशन t नीचे की तरफ है यानी माइनस टी, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसका तो माइनस 1। ठीक है, नीचे की तरफ है इसलिए प्लस, इसका भी लिख लेते हैं। तो इसके में टेंशन क्या है, ऊपर की तरफ है 2t और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी 2t पॉजिटिव इंटू माइनस ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं गाइज हम लोग। टी 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 हर जगह से तबाह हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 हो गया, और ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू माइनस 2 है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से हम लोगों को ए की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है, सॉरी गाइज प्लस 2 है, ये साइड चेंज होगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू मिली वो 7/2 m/s². ठीक है, 7/2 m/s². तो गाइज ये इसका सबसे छोटा और टाइम एफिशियंट तरीका है सॉल्व करने का। अब टेंशन इंटू वेलोसिटी का समेशन और टेंशन इंटू एक्सेलरेशन का समेशन हमेशा ही जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन जो होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।